रणबीर कपूर की फिल्म रॉकस्टार आज भी बहुत से लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। ये फिल्म साल 2011 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणबीर के साथ नरगिस फाखरी लीड रोल में नजर आई थी। वैसे तो इस फिल्म से जुड़े कई मजेदार किस्से हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे और ना ही मेकर्स ने रणबीर को इस फिल्म की कहानी सुनाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये सब हुआ ही नहीं तो रणबीर के हाथ ये फिल्म लगी तो लगी कैसे। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। रॉकस्टार के डायरेक्टर इम्तियाज अली ने एक इंटरव्यू में खुद इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर ये बड़ा खुलासा किया था। इम्तियाज अली ने बताया था कि इस फिल्म से पहले वो रणबीर से करीब एक या दो बार मिले थे और किसी दूसरी फिल्म के लिए उन्होंने रणबीर को अप्रोच किया था। उस समय रणबीर की पहली फिल्म सांवरिया रिलीज हो चुकी थी। दूसरी फिल्म की कहानी सुनने के बाद रणबीर ने इम्तियाज अली से कहा था कि उन्होंने उनकी एक और फिल्म की कहानी कहीं सुनी है। वैसे रणबीर को ये बात अपने किसी दोस्त से पता चली थी। उस समय ये फिल्म जॉन अब्राहम को ऑफर हुई थी, हालांकि फिर उनका पत्ता कट गया था। बातचीत में इम्तियाज अली ने आगे बताया कि असल में उन्होंने रणबीर को फिल्म की कहानी नहीं सुनाई, बल्कि रणबीर ने कहीं और से ये कहानी सुनी थी और फिर आकर उनकी ही फिल्म की कहानी उन्हें सुनाने लगे थे। इम्तियाज के मुताबिक अब रणबीर उन्हें फिल्म की कहानी जब सुना रहे थे तब उनके मन में बस यही सवाल चल रहा था कि अगर वो रणबीर को इस फिल्म में कास्ट कर लें तो मज़ा आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब इम्तियाज अली ने रणबीर से पूछा कि क्या वो ये इस फिल्म को करना चाहते हैं तो रणबीर ने ना इधर देखा ना उधर देखा और इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। बस इस तरह रणबीर के खाते में ये बड़ी फिल्म रॉकस्टार आ गई। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।